ये देखें इस तरह ये कुजे को पैक किया जाता है और फिर ये कुजे पूरे मुल्क में बल्कि बाहर भी लोग सौगात के तौर पे बेचते हैं। देख रहे हैं अब कलर निकलना शुरू हो गया। ये शरपुर की स्पेशलिटी है जो ये छोटा छोटा साइज़ है ना जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भाई बना रहे हैं। ये जी हम आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं जी, बोनलेस हांडी है ये इनकी स्पेशलिटी है जी। इसमें लाइट हमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। तो ये हम आ जाए हैं जी शरकपुर शरीफ, और यहाँ पे किस लिए आए हैं, ये आप देख रहे हैं बड़ा कदीम और हिस्टोरिक सा शहर है। यहाँ पे गुलाब जामुन जो है ना ये बहुत मशहूर है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये कह लें कि जैसे हर शहर की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है खाने पीने में, तो इसी तरह ये फूड व्लॉग का हमारा जो सिलसिला है उस सिलसिले में मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो यहाँ की जो बड़ी मशहूर और इंटरनेशनली सतह पे, नेशनली नहीं इंटरनेशनली, तो वो गुलाब जामुन है। इनका एक अपना मखसूस स्टाइल है, ये जिस अंदाज से बनाते हैं और इनका साइज़ और इनका तरीकाकार वो आपको दिखाते हैं, और आपको गुलाब जामुन यहाँ से खिलाते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी कदीम गलियाँ, ये कवर्ड हुई हुई हैं और पुराने पुराने घर हैं। ये जी हम आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं जी। ये जी यहाँ पे आटा गूंदा जाता है, इसमें क्या क्या डालते हैं जी आप? इसमें भैया 15 किलो खोया है और 7.5 किलो सूजी है इसमें। ये 15 किलो खोया और 7.5 किलो सूजी, थोड़ी सी दही और मीठा सोडा, वो इनकी अपनी है सीक्रेट जो ये बनाते हैं। ये यहाँ से ये गूंद के फिर ये रखा जाता है और यहाँ से वो पीछे जाता है, जो मैं आपको अभी दिखा के लाया हूँ। और ये देखें ये पड़ा हुआ है, ये सारा मैदा है जी, सूजी मैदा, और फिर इसमें वो खोया बनाते हैं। जैसे ही इसको अगले प्रोसेस में करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जा रहे हैं जी अब वो छोटे पेड़े बनाने के लिए जी। स्टार्ट प्रोसेस जहाँ से होता है वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ और लेके आया हूँ। हाँ जी, ये जी बना रहे हैं आप, ये शरपुर की स्पेशलिटी है जो ये छोटा छोटा साइज़ है ना जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भाई बना रहे हैं। उसको भून के ना आधा घंटे के लिए रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि ना फिर ये उसी के शुरू हो जाता है, यानी कि इनको बनाने के, और बनाने के बाद उसके बाद ये घी में फ्राई होते हैं। घी के बाद कभी फ्राई होने के बाद वो साथ ही वो चीनी का शीरा बना होता है उसमें डाल देते हैं, उसमें आधे घंटे बाद तैयार हो जाते हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है, स्टार्ट उधर से होता है जिधर से ये पहले इसको बनाते हैं, गूंदा जाता है, गूंद के फिर इधर आती है, इधर से हम फिर इनको ना यानी कि करके ना बना के आगे बेचते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जी अब वो जो खाम बने हुए थे, अब ये देखें ये अब घी में फ्राई होने लगे हैं और ये डाले जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि आपको सारा ना जी प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाए। देख रहे हैं जी इनके जो चूल्हे हैं और बड़े हैवी बर्नर हैं। देख रहे हैं अब कलर निकलना शुरू हो गया है। और ये प्रोसेस हो रहा है फ्राई का, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से तफसील से दिखाया है। एंड पे आग बिल्कुल हल्की कर देते हैं और अब ये देखें ये फ्राई। ये बिल्कुल फ्राई,
गुलाब जामुन है जी, अभी ये शीरे में डिप नहीं होगा। कितनी देर बाद उस तरफ जाते हैं? दो मिनट लगेंगे। यहाँ पे करके थोड़ी देर ये ठंडा करते हैं 2 मिनट, और इसके बाद फिर शीरे में चाश शीरा जिसको चीनी का बना होता है उसमें डालते हैं, फिर ये अपनी वो मिठास पकड़ते हैं। ये जी वहाँ से अब यहाँ आ गए हैं, तो देखें उधर कैमरा बंद हो गया था, तो ये पूरा मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है जी। साइज़ आप देख रहे हैं, और अब इनका ये ज़बरदस्त टेस्ट है, मीठा एक मखसूस हद तक रखा होता है, और मटेरियल बड़ा अच्छा और इंतहाई। ये देखें आप इसकी खस्तगी, देखें आप, देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ पे ना जी गिन के दिए जाते हैं। आपने जैसे यहाँ पे लगी हुई है रेट लिस्ट भी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये किलोग्राम के हिसाब से नहीं होता। ये देखें इस तरह ये कुजे को पैक किया जाता है, और फिर ये कुजे पूरे मुल्क में बल्कि बाहर भी लोग सौगात के तौर पे बेचते हैं। ये बाल्टी का भी, अच्छा सर ये पहले तो बाल्टी नहीं होती थी, ये आपने कुछ 2-3 साल पहले शुरू किया है? ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं बाल्टी, क्योंकि पहले तो आपके कुजे ही होते थे ना जी? पहले कुजे होते थे, ये लोग कहते हैं कुजा ढूंढने का डर होता है, बाल्टी सेफ चीज़ है, इसलिए लोग पैसे भी खर्च लेते हैं बाल्टी को। चलें जी, ये बाल्टी में इसलिए डालते हैं कि ताकि आप बाहर भी कहीं भेजें तो एयरपोर्ट पे या कहीं दिक्कत ना हो, और वो कुजा जो छोटा होता है वो घूम जाता है। तो ये बाल्टी पैक हो गई और वो कुजा पैक हो रहा है। इस तरह लोग घरों में भी लेके जाते हैं अपने अपने बर्तनों में। यहाँ से आके मुसलसल आग जलती रहती है, और फिर ये शीरा और गुलाब जामुन पड़े होते हैं, फिर यहाँ से जो बिकते हैं वो ये कुजों में, बाल्टियों में, और यहाँ बैठने की भी जगह बनी हुई है तो यहाँ पे खाए जाते हैं। इस दुकान पे चौथी नस्ल बैठ रही है जी जी, पर दादा जी, दादा जी, अबू, अब बच्चे बैठ रहे हैं जी जी। ये तकरीबन बड़े जो कहते हैं 120 साल से ऊपर हो गया है। मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ये हमारा लंगर चल रहा है, उन्होंने हमें दुआ दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दुआ से ये लंगर दिन ब दिन काम ज़्यादा ही हो रहा है हमारा, उनके वसीले से ये लंगर चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने पूरा विज़िट करवाया। ये जी गुलाब जामुन बनने का शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस आपको दिखा दिया, बल्कि उसका जायका भी बता दिया, और ये बड़ी एक हिस्टोरिक चीज़ है। ये तकरीबन 120 साल पुराना जो सेटअप है, और ये शरीफपुर शरीफ गुलाब जामुन की वजह से ही इसकी बहुत ज़्यादा शोहरत है। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं बंदू खान लाहौर, बंदू खान वहाँ से आपको हम डिनर करेंगे और वो दिखाएँगे, तो कुछ खाने बंदू खान के आपको चेक करवाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रोसेस अच्छा लगा होगा, तो बाकी बंदू खान पे जाके फिर आपसे बात करते हैं। हम आए हैं बंदू खान माल रोड के ऊपर, तो यहाँ पे हम आज के व्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो ये डिनर आज यहाँ से है, बस वो अब मैं देख रहा हूँ मेन्यू क्या सिलेक्ट करूँ। ये एक हाफ बोनलेस चिकन, बोनलेस हाफ चिकन बोनलेस, एक प्लेट चिकन बोटी, और एक प्लेट जो है वो चिकन कबाब। हाँ जी, ये ऑर्डर आ गया हमारा, ये आप देख रहे हैं ये चिकन कबाब, चिकन टिक्का बोटी, बोनलेस हांडी, और ये चटनी और साथ रोगनी नान। तो ये बंदू खान की स्पेशलिटी है जी, इनका जो नान है, और बाकी चीज़ें भी, ये मैंने कबाब लिया। और ये ऊपर देख रहे हैं आप ये धनिया,
अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ जी। तो ये जी नान देख रहे हैं, ये बोनलेस हांडी है, ये इनकी स्पेशलिटी है जी। इसमें लाइट रहमानी है। कमाल टेस्ट है जी। कबाब और ये चटनी जी। ये मैंने तिक्का बोटी का पीस लिया और ये चटनी से डिप किया। इनका अपना एक यूनिक स्टाइल है, तो क्योंकि दिन सारा हमने एक दो जगह और आपको दिखा देंगे।